हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश सेकेंड राउंड का कट ऑफ के बारे में, जो कि क्या रहा प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में सेकेंड राउंड में। तो आप नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। और यदि एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7047542127 पे। आपको यहाँ पे अच्छे काउंसलर से मुलाकात होगी और अच्छा काउंसलिंग मिलेगी आपको। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले ही बताया था, जब यूपी का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग आया था, सेकेंड राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म जब आए थे, तभी मैं बताया था कि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के दौरान जो कट ऑफ गई है वो सेकेंड राउंड में नहीं रहेगी। सेकेंड राउंड में बिल्कुल ही हाई जाने वाला है प्राइवेट का, और गवर्नमेंट का लो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ध्यान में यही था, माइंड में यही था कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही फेंक रहा है। लेकिन देखिए आज का रिजल्ट आया, वो बिल्कुल सटीक आया है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस बरेली, इसका फर्स्ट राउंड में 438 पे क्लोज हुआ था, वहीं आपको सेकेंड राउंड पे 504 पे क्लोज हुआ है। वहीं स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, वो फर्स्ट राउंड में 338 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में आपको 506 पे क्लोज हुआ। हेरिटेज इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी, ये फर्स्ट राउंड में 301 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 493 पे क्लोज हुआ। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर, ये फर्स्ट राउंड में 318 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 498 पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट आपका है रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली, फर्स्ट राउंड में 308 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 476 पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट आपका है सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, फर्स्ट राउंड में 326 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 476 पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट आपका है राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली, फर्स्ट राउंड में 220 पे क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड में 417 पे क्लोज हुआ। सरस्वती इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस हापुर, फर्स्ट राउंड में 289 पे क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड में 447 पे क्लोज हुआ। वहीं हिंद इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी, फर्स्ट राउंड में 315 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 467 पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट आपका है रामा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हापुर गाजियाबाद, ये फर्स्ट राउंड में 235 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 430 पे क्लोज हुआ। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर, फर्स्ट राउंड में 219 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 466 पे क्लोज हुआ। एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ये आपका फर्स्ट राउंड में 273 पे क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड में 356 पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट आपका है तीर्थांकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मुरादाबाद, फर्स्ट राउंड में 243 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 261 पे क्लोज हुआ। यानी कि सबसे कम जो कट ऑफ गया है इस बार सेकेंड राउंड में वो तीर्थांकर का ही गया है। फर्स्ट राउंड में भी इसका कम रहा था और सेकेंड राउंड में भी लगभग कम है, मतलब फर्स्ट राउंड में उतना कम नहीं था लेकिन फिर भी मैक्सिमम था। FH मेडिकल कॉलेज आगरा, फर्स्ट राउंड में 184 पे क्लोज हुआ, वहीं सेकेंड राउंड में 338 पे क्लोज हुआ। कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पाली दुर्ग मथुरा, ये फर्स्ट राउंड में 190 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 414 पे क्लोज हुआ। केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, फर्स्ट राउंड में 218 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 439 पे क्लोज हुआ। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुर, फर्स्ट राउंड में 172 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 404 पे क्लोज हुआ। बायो इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस बाराबंकी, फर्स्ट राउंड में 176 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 397 पे क्लोज हुआ। इंटीग्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, ये फर्स्ट राउंड में 219 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 420 पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट आपका है सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव, फर्स्ट राउंड में 157 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 387 पे क्लोज हुआ। और नेक्स्ट आपका लास्ट जो है कैरियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, फर्स्ट राउंड में 225 पे क्लोज हुआ था, वहीं सेकेंड राउंड में 341 पे क्लोज हुआ। फर्स्ट राउंड में जो सबसे लोएस्ट कटअप गई थी वो गई थी सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव का, जो कि 157 पे क्लोज हुआ था। वहीं सेकेंड राउंड की बात करें जो सबसे लो कटअप गया है वो कॉलेज तीर्थांकर महावीर मेडिकल कॉलेज
मुरादाबाद। वहीं बात करते हैं जो सबसे हाईएस्ट कटअप गया है सेकेंड राउंड में और फर्स्ट राउंड में, उसका मैं जिक्र करता हूँ। फर्स्ट राउंड में जो सबसे हाई कटअप गया था वो श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बरेली का गया था, 438 गया था फर्स्ट राउंड में। वहीं सेकेंड राउंड में जो सबसे हाई कटअप गया है वो गया है स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, 506 गया है। 506 जाने का इसमें रीजन भी है क्योंकि ये थोड़ा सा दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता है, दिल्ली के बॉर्डर में पड़ता है, अच्छे एरिया में पड़ता है, इसलिए सारे स्टूडेंट इस कॉलेज के लिए स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस पे फोकस किए और स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस का कटअप हाई चला गया, शारदा यूनिवर्सिटी का कटअप हाई चला गया। और दूसरे नंबर पर जो हाई कटअप गया है वो श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ही गया है। तो ये था आपका सेकेंड राउंड का कटअप। और बाकी अब बचा मॉपअप राउंड, तो मॉपअप राउंड में क्या वैकेंसी बचती है, कितने कौन से कॉलेज में सीट है, इसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग कर सकते हैं। और उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें अभी भी सीट नहीं मिला, उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। यदि जाना चाहते हैं तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए काउंसलिंग करें, आपको वहाँ पर अच्छा कॉलेज मिलने की चांसेज है लो मार्क्स पे। या फिर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, अभी भी डीम्ड में लगभग 800 प्लस सीट वैकेंट है, जिनकी कि बजट सही है, अच्छा बजट है, मार्क्स कम है या मार्क्स सही है, कॉलेज अच्छा चाहते हैं, जिनका कि क्वालिटी वाइज सही कॉलेज है, तो आप डीम्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करें। 13 अगस्त से आपका डीम्ड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 15 का आपका लास्ट डेट होगा। और उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें अभी भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिला है, गवर्नमेंट का भी बहुत ही अच्छा कटअप गया है उत्तर प्रदेश में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।